नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। सुर्खियों को विस्तार से जानें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद डॉक्टरों में आक्रोश, हड़ताल पर गए देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर, इमरजेंसी पर असर नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने बताया मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित, कहा तथ्यों और वैज्ञानिक आधार से परे है रिपोर्ट। सेबी चीफ और उनके पति ने भी झुठलाया आरोप। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के तय किए जाएंगे मुद्दे, पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालत ने माना था सुनवाई योग्य। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही, उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब, राजस्थान के कई जिलों में आज स्कूल बंद। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, दहशत में जी रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर, भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज, हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने की मांग। हेडलाइंस के बाद अब सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। मेडिकल छात्रों के संगठन फोडा के आह्वान पर इस घटना के विरोध में आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टरों की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। साथ ही उनकी मांग है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग डॉक्टरों द्वारा की गई है। फोडा ने साथ ही कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं, सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच के लिए अस्पताल में ड्यूटी कर तैनात जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ भी कर रही है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आइए जानते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की क्या मांग है। मर्डर का मामला निर्भया पार्ट 2 है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजीकर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो ड्यूटी डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजीकर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। नो मर्सी शुड बी शोन, चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए, चीजों को कवर करने से नहीं होता है। आज हमारी एक कॉलिक फॉल की है, ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है, हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत स्लो चल रही है, हमें कोई ऐसे ऑर्डर नहीं मिला है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, तो हमें लग रही है कि जो भी चल रही है बहुत भ्रष्टाचार चल रही है अभी, तो इस मामले में मैं कहना चाहूंगी थोड़ा स्पीड में काम चले। तो देश के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स इस समय देशव्यापी हड़ताल पे हैं। अगर कोलकाता की बात की जाए तो यहाँ के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप की हत्या के बाद को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। Justice! दूर हटो, दूर हटो!
बढ़ते हैं अब आगे। आबकारी नीति मामले में सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज की थी। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई का आग्रह किया। सीजेआई ने इसके जवाब में कहा कि ईमेल करें, आग्रह पर विचार किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विवादित वीडियो को रीट्वीट करने के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टल गई है। इसके साथ ही निचली अदालत में कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक अब जारी रहेगी। दरअसल मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिस पर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। हालांकि केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी। सुप्रीम कोर्ट आज जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा। के कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जमानत में इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बीआरएस नेता के कविता की आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई। और आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के घोटाले की आरोपी हैं के कविता, और जमानत से इनकार करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बढ़ते हैं आगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे। दरअसल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद निचली अदालत में इस मामले से जुड़े लंबित मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 9 अगस्त की सुनवाई टल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो जाने के बाद ही वो इस पर चर्चा करेगा। आपको इस मामले में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां सुबह एक दुखद हादसा हुआ है। बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगदड़ में हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि भगदड़ के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायलों को गया के अस्पताल रेफर किया गया था। दरअसल सावन का सोमवार होने की वजह से यहां मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए जुटे थे। मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई थी। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मच जाने से यह हादसा हुआ। मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज देने वाली 109 किस्मों को की बीज जारी किए थे। इससे पहले भारी बारिश के बीच भी प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि में अनुसंधान और नवाचार के महत्व पर जोर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। प्रधानमंत्री ने किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचना सुन रहा हूँ ना,
कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है, और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूँगा, और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वेराइटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के मॉडल स्कूल में आज नशा मुक्त भारत अभियान के अवसर पर स्कूली छात्रों को नशा के विरुद्ध एकजुट होकर स्वयं, परिवार, समाज और देश के स्तर पर कार्य करने और लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार देश भर में नशा मुक्ति अभियान के तहत हर स्तर पर लोगों के सहयोग से मिलजुल कर कार्य कर रही है और नशा के विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही के अभियान को आगे भी बढ़ा रही है। जिस तरह से नशे के कारोबारी शैक्षणिक संस्थाओं को अपना केंद्र बना रहे हैं, सरकार गृह मंत्रालय इस संबंध में काफ़ी तत्परता से कदम उठा रहा है। पहले नशे की सामग्री जब्त होती थी तो पड़ी रहती थी बरसों, लेकिन अगर हम आज की तारीख में अब जो नशे की सामग्री जब्त हो रही है उसको भट्टियों में नष्ट किया जा रहा है, और गृह मंत्रालय नशे के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध जो है सख्ती के साथ में कदम भी उठा रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस दिशा में जागरूकता के कार्यक्रम करने, अवेयरनेस के प्रोग्राम करने, उपचार के कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने, शैक्षणिक संस्थाओं में जहाँ तक आपने बात की है एक नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से उसमें हम अध्यापकों के और छात्रों के ग्रुप बनाने का काम उसमें किया जा रहा है। आज विश्व हाथी दिवस है, यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट्स डे। दुनिया भर में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश दिया है। पीएम ने संदेश में कहा है, हाथियों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक प्रयासों की सराहना करने का यह एक अवसर है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि हाथियों को अनुकूल वातावरण मिले जहां वे फल फूल सके। भारत में हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। यह खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या भी बढ़ रही है। यहां रुकेंगे कुछ पलों के लिए, खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिप्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। खबर हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी हुई। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। REIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का भी बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है। REIT पर सेबी के लिए किए गए सभी फैसले सेबी बोर्ड ने किए हैं और यह किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। सेबी चेयरमैन ने नियमों के मुताबिक समय समय पर सिक्योरिटीज में अपने निवेश की पूरी जानकारी दी है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है। ये नियामक ढांचा निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। हितों के टकराव के मुद्दे पर सेबी के भीतर खुद की मजबूत व्यवस्था मौजूद है। सेबी भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया है। यह कंपनी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ किया है कि सेबी ने 24 में से 22 मामलों में जाँच पूरी की है। 2 मामलों की जाँच अभी भी जारी है।
वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर IIFL ने कहा है कि हमने किसी भी फंड के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में कोई निवेश नहीं किया है। फंड में सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की होल्डिंग टोटल इनफ्लो के 1.5% से भी कम थी। 360 वन एसेट मैनेजमेंट पुष्टि करता है कि इसके सभी फंड सभी रेगुलेशन का पूरी तरह से पालन करते हैं और हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। और हिंडनबर्ग मामले में IIFL का बड़ा बयान आया है। IIFL ने कहा है कि अडानी ग्रुप में उनका कोई निवेश नहीं है, साथ ही फंड में माधवीपुरी बुच और धवल बुच की होल्डिंग इनफ्लो के 1.5% से भी कम थी। तो ये बड़ा बयान आया IIFL से। और आपको बता दें कि 361 एसेट मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो सभी फंड लिए गए हैं वो पूरे नियमों के आधार पर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खंडित किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी कि ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में यह भी कहा है कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जाँच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया है। माधवी बुच की सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें खतरनाक व्यक्ति बताया है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि राहुल गांधी जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का समर्थन कर रहे थे वह गलत साबित हुई है। कंगना ने साथ ही कहा कि राहुल गांधी इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कंगना ने साथ ही कहा कि भारत के लोग उन्हें कभी अपना नेता नहीं मान सकते, जीवन भर उन्हें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुजरात पुलिस के जवानों ने समुद्र के किनारे तिरंगा यात्रा निकाली। आइए आपको भी दिखाते हैं इस यात्रा के कुछ अद्भुत दृश्य। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की, जहां पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। उधर भाजपा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इस अभियान ने पूरे देश में एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इसको लेकर देश में उत्साह और जश्न का माहौल है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा भी देश भर में हर घर तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रही है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।
यात्रा के दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी से घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सबसे निवेदन करती हूं कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिला। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उधर गोवा में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। आज के युवाओं के मन में हम देश प्रथम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा हो या तिरंगा यात्रा, इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करते हैं। और आज बड़े उत्साह के साथ हजारों से युवक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से तीन रंगों की रौनक छाई हुई है। ऐसे में हमारे सुरक्षा बल भी देशभक्ति की इस भावना का संचार करने में लगे हैं। भारतीय तटरक्षक ने भी इस पहल को बढ़ावा देते हुए लक्षद्वीप में आईसीजी जिला मुख्यालय के समन्वय से एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीप के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। बाइक रैली में युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर दिल तिरंगा हो रहा है इस समय। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, सावन का आज चौथा सोमवार है। सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचने लगे हैं। भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र से अभिषेक कर खुशहाली और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की है। बात करें वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो यहाँ विधि विधान के साथ मंगला आरती की गई। वहीं देवघर में भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों के साथ अन्य शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखी। अयोध्या में भी भक्त हर हर भोलेनाथ के जयकारों के साथ शिव मंदिर पहुंचे। सावन के सोमवार को जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरह देश के कोने कोने में भक्त जो हैं शिवालयों पर जाकर जलाभिषेक किया उन्होंने सुबह से ही, और भक्तों का तांता लगा रहा। और काशी विश्वनाथ की आपने तस्वीरें देखी, वहीं उज्जैन के महाकाल में भी भक्तों ने अपने आराध्य से हर मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी खबरों की। देश के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, मेघालय और बिहार में अगले 7 दिनों तक तेज वर्षा के अनुमान व्यक्त किए हैं। विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में भी हल्की और मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तर भाग में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब के भी कई जिलों में आज हुई तेज वर्षा के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ। पंजाब में भी इस मानसून की पहली तेज वर्षा देखी गई। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अनुमान जताते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बात करें अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, यानी दिलवालों की दिल्ली की, तो यहाँ अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, जिसमें दिल्ली वासियों को उमस से राहत मिली है। पहाड़ी इलाकों की बात करें, हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। हाल ही के आपदाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं जनजातीय जिला किन्नौर के पूह में फ्लैश फ्लड से भारी भूस्खलन होने के कारण पूह से रोरिक तक नेशनल हाईवे को कई जगह नुकसान पहुँचा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ घाटी में व्यापक नुकसान हो रहा है। केदारनाथ के पैदल मार्ग भीमबली में एक बड़े भूभाग में भूस्खलन होने के बाद मलबा मंदाकिनी नदी में जमा हो गया, जिससे मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रुक गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा कि इस भूस्खलन की घटना से कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन नदी का पानी रुकने से खतरे की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही नदी किनारे रह रहे लोगों से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति नदी की तरफ ना जाए। बात अब गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
जिसकी वजह से गरुड़ेश्वर के पास नर्मदा नदी पर बना गरुड़ेश्वर वियर डैम ओवरफ्लो हो गया है। वहीं एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। बात अगर अब अमरनाथ यात्रा की करें तो वहीं भारी बारिश के बाद पहलगांव और बालटाल एक्सेस दोनों पर रखरखाव और मरम्मत का कार्य करने के लिए अमरनाथ यात्रा को आज बालटाल एक्सेस पर निलंबित कर दिया गया है। मरम्मत का कार्य पूरा होने पर फिर से यात्रा शुरू की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।